हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो विल कवर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप इन क्वेश्चन को जरूर कॉन्सेप्ट वाइज समझ के चलें, जहां मैं बता दूं कि यहां ध्यान रखना कि यहां गलती हो सकती है, तो उस पॉइंट को अगर याद रख के चलोगे तो इट इज वेरी लाइकली कि ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और फॉर वैरायटी सेक मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं, सो दैट आपके माइंड में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी सेट हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में, इन व्हाट रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस हैज एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। अगर ये ध्यान नहीं रहेगा तो हो नहीं सकता। इसका उल्टा भी है कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस हैज वाई कोऑर्डिनेट जीरो। इसे नोट कर लें। इसका रफ स्केच बनाओगे नॉट टू द क्वाड्रेंट वाइज। तो मान लो मैंने ये कहा ये वाई एक्सिस है, ये सब वो दो पॉइंट है, वन पॉइंट इज 5-6 ये लिखा है, अनदर इज -1-4। आपको मैंने बताया एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस हैज एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो दैट इज ये आपने लिखना है लेट पी जीरो वाई डिवाइड्स इट इन के रेशो वन। अगर ये समझ आ गया, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस मानी है, तो आपने ये बताना है कि एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट ये जीरो होगा। इसके बाद सेक्शन फार्मूला है, याद रखने के लिए आप इधर एरो लगा सकते हो ऐसे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूं फार्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दैट इज अगर ये रेशियो m और n है, मान लो ये m रेशियो n है, तो याद रखना mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, तो दैट इज 0 इज इक्वल टू, अब मैं कह रहा हूं mx2 मींस माइनस k प्लस nx1 मींस प्लस 5 अपॉन m प्लस n, दैट इज k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये जीरो हो जाएगा, और माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और माइनस k इज इक्वल टू -5, और k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 5:1 इज द आंसर। सी हाउ सिंपल इट इज। अगर आपको ये ध्यान है कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट 0, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो आप एक रफ स्केच में सर्कल बना लें और AB उसका डायमीटर शो कर दें, तो ऑब्वियस है सेंटर से पास होके जाएगा। तो AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर 2-3, 2-3 इसका सेंटर है। इफ बी इज 1-4, बी इज 1-4, और क्वेश्चन ये, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो देखिए इसके अंदर याद ये रखना है कि ओ AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या है मैं वो बता दूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों एक्स का सम अपॉन 2, इसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों वाई का सम अपॉन 2। तो इससे सपोज मैं एक्स वाई मान लूं, तो हम ये लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस है। रीजन भी, अगर ये 1:1 हो जाए तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही मैं बता रहा हूं कि दोनों x का सम अपॉन 2 और दोनों y का सम अपॉन 2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर ये कहा है, तो x प्लस 1 दोनों x का सम अपॉन 2 इज इक्वल टू इट्स x कोऑर्डिनेट, दैट इज 2, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3, क्लियर। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट दोनों y का सम, तो आई विल राइट y प्लस 4/2, इसका y कोऑर्डिनेट -3 और y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -10, तो देयरफॉर आंसर है जो हमारा 3 और -10, ये है कोऑर्डिनेट 3-10 दूसरे एंड के, दैट इज a के। सी हाउ सिंपल इट इज। नेक्स्ट, इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज दिस, फाइंड x इफ सर्कल पासिस थ्रू। देखो ध्यान से, अब ये नहीं दे रखा डायमीटर है, सर्कल पासिस थ्रू, तो आप रफ स्केच में ऐसे बनाओगे कि दो पॉइंट कोई से भी है ए और बी, सर्कल वहां से पास होके जा रहा है और हमें सेंटर भी गिवन है। सेंटर गिवन है एक्स प्लस 2 एंड कॉमा x-1, एक्स प्लस 2 x-1, और जिन दो पॉइंट से पास होके जा रहा है वह 2-2 एंड 8-2। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ कि ये सेंटर है। इस केस में वी विल राइट ओ ए इज इक्वल ओ बी, देयरफॉर ईच रेडियस है ये, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर आई कैन राइट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब आपको लगना डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्या है, x2-x1 द होल स्क्वायर प्लस y2-y1 द होल स्क्वायर द होल रूट। तो डिस्टेंस ओ ए अगर मैं कहूंगा, तो डिस्टेंस ओ ए होगा x+2 -2, ध्यान रखना ये माइनस ये द होल स्क्वायर प्लस
x माइनस वन ये और प्लस टू द होल स्क्वायर, द होल रूट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ओ ए स्क्वायर है, मैंने क्या किया x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो इसको और शॉर्ट कर लोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस इसे कर लोगे ये बन जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अभी फॉर द टाइम ऐसे छोड़ भी सकते हैं, देन कैलकुलेट कर ले ob स्क्वायर, ध्यान रखना ob स्क्वायर। अब इधर आओगे फिर वही है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर द होल रूट, तो आई विल राइट x प्लस 2 माइनस 8 द होल स्क्वायर माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 2 द होल स्क्वायर लाइक दिस। क्यों? क्योंकि y2 माइनस y1 तो ये प्लस हो जाएगा ये, तो इसे आप करोगे ये बनेगा x माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द होल स्क्वायर। और क्योंकि मैंने कहा है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, इन्हें आप इक्वेट कर सकते हो, दैट इज ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट, और इसमें क्लियरली आप x प्लस 1 द होल स्क्वायर इसके पास भी है यहां कट कर सकते हो, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया x स्क्वायर, और इसको क्या होगा ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 12x। इसको फिर कैंसिल कर दें, 12x को इधर ले आओ तो 12x इज इक्वल 36, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड इट इज द आंसर। अगेन दोनों में डिफरेंस देख लो, एक में डायमीटर गिवन था और दूसरे में था सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट, तो ये तीन क्वेश्चन इस तरह से कवर्ड है। देखिए इनके आप नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर लेना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, साथ साथ एक बार प्रिपेयर कर लें और कुछ क्वेश्चन खुद करके देखें सिमिलर। नेक्स्ट है फाइंड लेंथ ऑफ मीडियम थ्रू, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप ये कॉन्सेप्ट समझ के चलो, अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स ए बी सी गिवन है तो मीडियम क्या है, मीडियम किसी वर्टेक्स से सामने की साइड के मिड पॉइंट पर जो टच करेगा ना वो मीडियम है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ मीडियम। और सर्कल ट्राइंगल्स का है माइनस 3 3, एक वर्टेक्स ए है, देन माइनस सेवन ये सेकेंड है और 1 1 ये थर्ड है। तो देखिए लेंथ ऑफ मीडियम निकालने के लिए एडी में निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला, बट हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, बट वी नो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी बाय स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। आप अभी आपको बताया दोनों एक्स का सम अपॉन 2 दोनों वाई का सम अपॉन 2, तो ऑब्वियसली इसे करोगे तो ये बनेगा माइनस 3, इसे करोगे तो ये भी बनेगा माइनस 3। क्यों? क्योंकि माइनस 7 प्लस 1 तो माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3, लाइक वाइज ये भी माइनस 3। तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया, आपको लेंथ ऑफ मीडियम निकालनी है तो AD है, AD आएगा माइनस 3 प्लस 3 द होल स्क्वायर, मैंने क्या किया x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 द होल स्क्वायर द होल रूट, फिर वही क्या है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर द होल रूट, या क्या 0 प्लस 6 स्क्वायर हो गया 36 ऊपर रूट और 36 रूट और 6 यूनिट्स, तो यही आंसर है, लेंथ ऑफ मीडियम इज 6 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स दो पॉइंट करेंगे, तो वी विल राइट लेट पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी। अब इधर एक पार्ट है इधर दो पार्ट है, तो आई कैन से क्लियरली पी इज डिवाइडिंग ए बी इन 1:2, तो मैंने 1:2 लिख दिया। सेक्शन फार्मूला एम एक्स टू ये रहा, एन एक्स वन ये रहा अपॉन एम प्लस एन ये, सिमिलरली एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, सिंप्लीफाई करके पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/3 0 ये। अब आपको सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस अप्लाई करना है कि वी कैन राइट क्यू इज क्लियरली मिड पॉइंट ऑफ पी बी, रीजन भी ये दो पार्ट तो इक्वल है, तो वी कैन राइट बाय स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो मिड पॉइंट फार्मूले से इन दोनों के एक्स का सम अपॉन 2 ये रहा, इन दोनों के वाई का सम अपॉन 2 ये रहा, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, तो इस तरह से पी और क्यू दीज आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। सिक्स्थ क्वेश्चन में है शो दैट 4 पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। देखिए इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम में 4 बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और तब प्रूव करेंगे ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। तो बड़ा लेंथी मेथड, आपको बड़ा शॉर्ट मेथड बताता हूं। अगर ये पैरेललोग्राम है
तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी है, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्पस से पूछेंगे ना, अगर मैं इतना ही प्रूव कर दूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम, इट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंसेज फोर टाइम्स, आप टाइम को बहुत सेव कर सकते हो। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ए सपोज 1 2, देन बी 5 4, एंड 3 सी 3 8, और लास्ट डी -1 6। तो इसमें आपने करना क्या, आपने लिखना वी फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट है, या आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला में, दोनों एक्स का सम अपॉन 2, दोनों वाई का सम अपॉन 2, दैट इज 3+1/2 एंड 8+2/2 एंड इट कम्स आउट टू बी 2 5। ये आ गया। देन वी फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अदर डायगोनल डी बी, ये दोनों x का सम, इट मीन 5-1/2, दोनों y का सम 6+4/2, विच कम्स आउट टू बी 2 5। तो आप देखें कितना आसान हो गया और कितना टाइम सेव हो गया। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, सिंस इन अ पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम, जो इसकी वैल्यू आई वही इसकी वैल्यू आ गई। तो आप कहोगे हेंस 4 पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम, दैट्स ऑल, टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, शो दैट पॉइंट्स दीज मेक्स अ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल कब पता चलेगा, अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को क्वालिफाई करेंगे तो। तो आपने ये नहीं करना कि ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। तो आपने करना है स्क्वायर्ड वैल्यू, कोई सी एक स्क्वायर्ड वैल्यू, अब हम ए बी सी और में भी नहीं जाते। अगर एक स्क्वायर्ड वैल्यू बाकी दो की स्क्वायर्ड वैल्यू के सम के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब पाइथा को क्वालिफाई करते हैं वी से, दैट दे फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। सपोज इसके अंदर मैं मान लो मार्किंग कर लू ए बी सी, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए बी स्क्वायर, रिमेंबर रूट नहीं लगाना स्क्वायर्ड वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में हम ए बी निकालते हैं, बट राइट ट्रायंगल के लिए स्क्वायर्ड वैल्यू। देखिए ए बी के लिए आएगा 2-7 द होल स्क्वायर, 2-7 द होल स्क्वायर प्लस 3-7 द 5 द होल स्क्वायर, रूट नहीं लगाना क्योंकि स्क्वायर्ड वैल्यू है। ये बनेगा 5, दैट इज 25 प्लस ये बनेगा 2 तो 4, तो दैट इज 29 यूनिट्स। देन उसके बाद हम फाइंड करते हैं बी सी स्क्वायर। अब बी और सी है तो आई विल राइट 6-2 द होल स्क्वायर प्लस -7-3 द होल स्क्वायर, अगेन रूट नहीं लगाना क्योंकि स्क्वायर्ड वैल्यू है। तो ये बनेगा 4 तो 16 प्लस ये बनेगा 10 तो 100, तो इट मींस 116। आगे यूनिट्स तो रूल लिखना है। देन वी फाइंड ए सी स्क्वायर। अब ए और सी तो इट विल बी 6-7 द होल स्क्वायर, वही काम कर रहे हैं x2-x1 द होल स्क्वायर, y2-y1 द होल स्क्वायर। तो 6-7 द होल स्क्वायर और -7-5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 1, ये आ गया 12 तो 144, तो दैट इज 145। तो आप चेक कर लें इन दो का, ये स्क्वायर वैल्यू का सम 145 आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो फिर आपने ये लिखना है सिंस सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर वैल्यू 1, देयरफॉर दीज पॉइंट्स फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। बड़ा इजी है, इसके अंदर आपको रूट नहीं लेना क्योंकि स्क्वायर्ड वैल्यू से पाइथागोरस थ्योरम क्वालिफाई होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस इफ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना इक्विडिस्टेंट का, आंसर हमेशा ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा आएगा, 2x+3y = 7, x-y = 5, समथिंग लाइक दैट। तो आप ये मान लें कोई सा पॉइंट पी है, लेट अस से पॉइंट पी ये है एक्स वाई, और दो पॉइंट ए 1 4 और बी -1 2 से इक्वी डिस्टेंट है, बराबर दूरी पे है, तो पी और पी भी बराबर है, इट मीन पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर भी इक्वल है, तो वी फाइंड पी ए स्क्वायर। अगर पी ए स्क्वायर लिखोगे तो बनेगा x-1 द होल स्क्वायर प्लस y-4 द होल स्क्वायर, क्लियर। और दूसरा पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर के लिए x+1 द होल स्क्वायर लाइक दिस प्लस y-2 द होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इक्विडिस्टेंट है तो इनको इक्वेट करेंगे, तो आप इसको एक्सपेंड करके आपस में इक्वल प्लेस कर दो, यू विल गेट आंसर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसे
ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई। और ऐसे वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके पास भी है और ये भी है, तो कैंसिल हो ही जाएगा। आप पहले x की टर्म इकट्ठा कर लो, x की टर्म है माइनस टू एक्स और ये इधर आ गई माइनस फोर एक्स हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये टर्म यूज कर ली, ये टर्म यूज कर ली, देन y की टर्म इकट्ठी कर लो, माइनस का ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का फोर वाई, तो ये भी टर्म यूज हो गई, ये भी यूज हो गई। इसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म को ले लो, इंडिपेंडेंट टर्म इधर है प्लस 17, मैं यहां लिख देता हूं 16 एंड 17, और उधर है 5, वो इधर आके हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, और माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू यह 12, उधर जाके हो जाएगा माइनस 12। इन सब से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर 4 कॉमन ले लो और इसको अपॉन में ले जाओ, तो आंसर आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड इट इज द आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0, अगर ये क्लिक करेगा तो ही क्वेश्चन इजी लगेगा, नहीं तो डिफिकल्ट ही फील होगा। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, मान लो ये पॉइंट p है x एक्सिस पे है, आपको मैंने बताया पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम, तो मैं क्वाड्रेंट वाइज नहीं बना रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इन दो से बराबर दूरी पे है पॉइंट, इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम, और दे रखे हैं 5 4, फर्स्ट पॉइंट है 5 4, सेकेंड है माइनस 2 3। अब रीजन बीइंग पी और पी बी इक्वल है, इट मीन पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर इक्वल है, तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, तो x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर, ध्यान रखना x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको फाइनली x का आंसर मिल जाएगा, रीजन बिंग सिर्फ x ही रहेगा, बाकी सब कैंसिलेशन हो जाएगा। जैसे इसी को कंटिन्यू करें तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 16 मस्ट बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 9। तो आप x स्क्वायर x को कैंसिल कर दें, x की टर्म इकट्ठी करोगे तो 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14x हो जाएगा, और प्लस इधर है ये 41 और उधर है ये 13, क्योंकि 9 प्लस 4 13 उधर है, इसका इधर है, अब इसे भी उधर ले जाएंगे, तो माइनस 14x इज इक्वल टू, तो 41 और 13 जाके उधर लेस हो जाएगा, ये बनेगा 28 और वो भी विद माइनस साइन, और आप इसको इससे कैंसिलेशन करेंगे, इसके अपॉन लाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो देयरफॉर पॉइंट p लाइंग ऑन x एक्सिस इज 20, ये रहा 20 और ये आंसर लिख दिया मैंने पहले ही। तो रिमेंबर एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0 एंड एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट 0। और इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन मैंने ये लिया हुआ है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चन को थॉरली करो, अपने हाथ से लिख के देखो और सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। देखिए इसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड एट पी सच दैट, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू 3/7। यूजुअली स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, 3/7 लेके चल पड़ेंगे और सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए आप इसके अंदर कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो 3/7 नहीं लिखना, लाइन ज्वाइनिंग इसके अंदर लिख लें आप पहले 2 माइनस 5, ये आपको पॉइंट दे रखा है, और दूसरा है माइनस 5 और 9। अब इसमें रेशियो ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ आ गया तो सारा समझ आ जाएगा। देखिए आप इसमें कैसे लिखूंगा, अगर एपी है 3/7 ऑफ एबी, ये यहां आ जाएगा, तो हमें हमेशा एपी रेशियो बीपी चाहिए, तो अब निकालना है बीपी, तो जब ये पार्ट दे रखा हो और ये निकालना हो तो हमेशा 1 में से लेस कर दो, आई विल राइट 1 माइनस 3/7 ऑफ ए बी, तो दैट इज 4/7 ऑफ ए बी, ये आएगा 1 में से लेस कर दिया, ये फिगर 1 में से लेस कर देंगे तो देयरफॉर 4/7 आ गया। अब फाइंड करना है देयरफॉर एपी रेशियो बीपी, अब ये आ गया इंपॉर्टेंट,
एपी था, हमारे पास 3/7 ए बी रेशियो, बीपी आ गया 4/7 ए बी, ए बी से ए बी कट करो 7:7 3:4, और अगर ये ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला लगा के हो ही जाएगा MX2 प्लस NX1 अपॉन M+1 M+n, तो P के कोऑर्डिनेट्स MX2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है -15, NX1 तो 8 अपॉन M+n यानी 7, फिर M/2 तो -27, N/1 तो मैंने कहा -20 अपॉन M+n तो 7, तो आप इसे सिंपलीफाई करोगे -7/7 तो P का आ गया -1 और ये आएगा -47/7 N/2 M और Y2 27, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 7/7 और 7/7 मींस 1 दैट इज +1, तो ये इसका आंसर है -1 1. तो आई हैव टेकन 10 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज और आपको उनको कोशिश की है कॉन्सेप्ट वाइज समझा के चलूं, सो दैट आपको नए क्वेश्चन फेस करने में प्रॉब्लम ना हो. आप इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें और सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, एंड आई अश्योर यू कि इसके बाद आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो. और वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो शेयर जरूर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पूरी 9th और पूरी 10th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मैं अपने चैनल पे स्लोली एंड स्टेडली दे रहा हूं, और पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद अलॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरी वीडियोस में कवर हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.